हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं जो है आपको मीले और मूरे मशीन के बारे में बताने जाऊंगा। मैं जो न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करूंगा वो हमारा कन्वर्जन रहेगा एक मीले मशीन से मूरे मशीन में, ठीक है। तब भी आप ये मीले एंड मूरे मीले टू मूरे मशीन में कन्वर्जन करेंगे तो आपके पास इनपुट एंड आउटपुट दे रखा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हमको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, अब अगर आप यहाँ चेक करेंगे ना तो यहाँ पे हमारे तीन स्टेट्स है, फाइनाइट स्टेट्स क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू। और अगर आप चेक करेंगे ना तो आपको जब भी हम इनपुट सिंबल जीरो दे रहे हैं ना तो हमारा आउटपुट क्या जा रहा है, क्यू वन पे जा रहा है और एन आउटपुट भी रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीन स्टेट्स रहेंगी हमारी, क्यू नॉट एक एन के साथ रहेगी और एक हमारी वाई के साथ रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो आउटपुट सिंबल भी हैं वाई। जो पहला वाला ये हमारा इनपुट है, दूसरा वाला जो है ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। चलिए मैं पहले यहाँ सारी फाइनाइट स्टेट्स बना देता हूँ, देन क्यू वन एन, ये लास्ट में जो है क्यू टू एन, नीचे जो रहेगा हमारा क्यू वन वाई एंड यहाँ पे जो आएगा क्यू टू वाई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब आप देखिए, अगर आप क्यू टू क्यू नॉट से जीरो इनपुट देंगे तो आप क्यू वन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें आउटपुट क्या है हमारा एन रहेगा। तो हम क्यू वन एन पे आउटपुट देंगे क्यू नॉट दोनों की मदद से जीरो एंड क्यू नॉट वाई की मदद से भी जीरो, क्यू वन एन आ गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा पार्ट कंप्लीट होगा तो उसको मैं टिक कर देता हूं। अब देखिए अगर आप चेक करेंगे तो आप क्यू वन पे जब जीरो इनपुट देंगे, क्यू वन पे जब आपने जीरो इनपुट दिया तो आपका आउटपुट क्या रहेगा वाई। तो मैं इसको ये भी बना देता हूं, क्यू वन एन से अगर आप जीरो इनपुट देंगे तो आप वाई पे आएंगे और क्यू वन पे वाई से अगर आप जाएंगे तो भी आप वाई पे ही आएंगे। तो मैंने ये भी जीरो से डिनोट कर दिया, ये हमारा पार्ट भी ऊपर हो गया, ठीक है। अब हम ये क्यू नॉट से क्यू टू वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं। देखिए अब अगर आप वन इनपुट देंगे तो आप क्यू टू के एन पे जाएंगे, तो क्यू नॉट से मैंने वन इनपुट दिया एंड क्यू नॉट वाई से भी एक वन इनपुट दिया, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया, इसको भी मैंने टिक कर दिया। अब अगर आप चेक करेंगे तो आपका क्यू टू वाला पार्ट है, क्यू टू पे जब हम वन इनपुट देंगे तो हम वाई पे जाएंगे, तो एक तो हमारा ये रहेगा और एक हमारा सेल्फ हो जाएगा, ये आउटपुट रहा, ये भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो है हमारी दो लाइंस बची हुई हैं, एक क्यू वन टू क्यू टू और एक क्यू टू टू क्यू वन। तो पहले हम क्यू वन टू क्यू टू चेक करते हैं। देखिए क्यू वन पे जब आप वन इनपुट देंगे तो आप क्यू टू एन पे जाएंगे, ठीक है। क्यू वन पे मैंने वन इनपुट दिया तो क्यू टू एन पे हम गए वन, यहां से भी वन, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब क्यू टू से अगर हम जीरो इनपुट देंगे तो हम क्यू वन एन पे जाएंगे, तो मैंने क्या किया, एक जीरो इनपुट यहां से दिया, एक जीरो इनपुट यहां से दिया। तो ये जो है ना, ये हमारा फाइनल मूरे मशीन का कन्वर्जन आ गया। ये हमारी मीले मशीन थी और ये जो है ये हमारी मूरे मशीन है। तो हमने मीले टू मूरे कन्वर्जन है सक्सेसफुली परफॉर्म कर दिया है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया हो। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा कि आप मल्टीपल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, क्योंकि एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है तो आप एग्जाम में जो है हड़बड़ा सकते हैं, या हो सकता है कि आप एक आध स्टेप आगे पीछे कर दें तो वहां पे आपका पूरा मार्क्स जो है कट हो सकता है। ये जो न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर ज्यादा फोकस करें। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक जो है पर्टिकुलर। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।